हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी मैंने यहाँ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ क्लास के लिए फ़िजिक्स लेक्चर और साथ ही बी एस के लिए भी फिजिक्स लेक्चर एंड फ्री पी नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं हेलो स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल नमस्ते कैसे हैं आप सब और ये है क्लास टेंथ फिज़िक्स के लिए लेक्चर सीरीज़ और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर एटीन जिसमें हम बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ हीट एंड जूल्स हीटिंग लॉ। लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर सेवनटीन में हमने बात की थी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसमें हमने देखा था कि कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनमें से करंट जब फ्लो होती है तो वो गर्म हो जाते हैं करंट फ्लो होने पर वो हीट प्रोड्यूस करते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं हीट प्रोड्यूस करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक आयरन करंट फ्लो होने पर गर्म हो जाती है हीट प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक बल्ब करंट फ्लो होने पर गर्म हो जाता है हीट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक हीटर ठीक है और भी बहुत एग्ज़ाम्पल हैं ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के तो आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ हीट एंड जूल्स हीटिंग लॉ एक्सप्रेशन ऑफ हीट एंड जूल्स हीटिंग लॉ तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लीजिए एक्सप्रेशन ऑफ हीट एंड एक्सप्रेशन ऑफ हीट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट मैं इसको जूम करके दिखाता हूं आपको थोड़ा सा ओके यहां देखिए आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन ऑफ हीट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ये हेडिंग आप लिख लीजिए और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कि जब भी हमारा कोई कंडक्टर होता है क्या होता है कंडक्टर और उसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या करती है उस कंडक्टर में करंट को फ्लो करवाती है बैटरी क्या करती है या सेल क्या करता है उस कंडक्टर में करंट के फ्लो को मेंटेन करता है तो बैटरी या सेल किसी सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए कुछ वर्क करता है बैटरी या सेल क्या करती है करंट के फ्लो को बनाए रखने के लिए वर्क करती है और वही वर्क को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा था लास्ट क्लासेज में पढ़ा था कि बैटरी या सेल करंट को मेंटेन करने के लिए जो वर्क करती है वही इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है और आपको पता है एनर्जी का नेचर क्या होता है एनर्जी का नेचर क्या होता है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लगातार ऐसे ट्रांसफॉर्म होती रहती है तो सबसे पहले बैटरी ने किया वर्क और वो वर्क किसके इक्वल हुआ वो किस में कन्वर्ट हुआ वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है यहाँ पर हम ऐसे कंडक्टर की बात कर रहे हैं जो एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेकर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है तो हीट एनर्जी के लिए अपन एक्सप्रेशन निकालेंगे तो बहुत ईजी है तो सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेते हैं ये कंडक्टर आपको दिख रहा है ओके अक्रॉस हम एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं ठीक है ये बैटरी का प्लस है ये बैटरी का माइनस है कंडक्टर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स किस से अट्रैक्ट होंगे वो बैटरी के पॉजिटिव की ओर तो सारे जितने भी आपको ये इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं वो कहाँ मूव करेंगे ये पॉजिटिव की ओर मूव करेंगे बैटरी के पॉजिटिव की ओर और नेगेटिव से ये रिपेल होंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर हम आगे देखते हैं कंसीडर ए कंडक्टर ए बी इसका नाम है ए बी कनेक्टेड टू ए सेल ये कंडक्टर किससे कनेक्टेड है सेल से लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर तो इसके एंड्स पर हमने इसके किनारों पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दिया वी लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ़ द कंडक्टर अब फ्रॉम द फॉर्मुला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मला कितना होता है वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू अभी तक मैंने आपको क्या बताया एक कंडक्टर है ए बी नाम है उसका हमने उसके अक्रॉस एक सेल कनेक्ट कर दिया है वो सेल क्या कर रहा है वर्क कर रहा है और वो कितना वर्क करेगा इस वर्क का फॉर्मूला मैं पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मले से फाइंड करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मला क्या होता है वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू यहाँ से W का W की वैल्यू निकाल लूँगा मैं वर्क की Q की क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए Q इन टू वी और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास Q मल्टीप्लाई वी ओके तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डन डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है क्यू मल्टीप्लाई वी या वी मल्टीप्लाई क्यू अब क्यू की वैल्यू कितनी होती है क्यू की वैल्यू होती है आई टी तो मैंने यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट कर दी है आई टी तो देखिए वी आई टी फिर देखिए w इक्वल्स टू वी क्यू क्यू की वैल्यू होती है आई टी तो q की जगह लिख दिया वी आई टी आपको इतना क्लियर हुआ यहाँ तक आपको क्लियर हुआ ओके अब आपको पता है ये वर्क कौन कर रहा है बैटरी और बैटरी जो वर्क करती है वो ही इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी ये स्पेशल टाइप का कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो W किसके इक्वल है E के इक्वल है और E ही बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा H में तो हम इस W की जगह क्या पुट कर सकते हैं H मैंने W की जगह H पुट किया क्योंकि यही वर्क है ये पहले किस में कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी में तो ये E लिख दो आप लेकिन हमें हीट निकालनी है तो हमने इसी W को लिख दिया H तो H की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास वी आई टी की वैल्यू कितनी थी वी आई टी ये क्लियर हुआ आपको इतना ओके दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हीट ओके okay, तो सबसे पहले वर्क किस में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में इसलिए हमने डब्ल्यू की जगह एच लिया तो बहुत ईजी है कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ओके okay. अब एक तो हमारे पास हीट का वैल्यू आ गई है वी आई टी कितनी वैल्यू आ गई थी हीट की ये देखिए वी आई टी अब हम और अदर एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे तो अब लिख लीजिए अदर एक्सप्रेशन तो एक एक्सप्रेशन आपके पास क्या आ गया था वी आई टी अब आपको पता है ओम स्लो से V इक्वल शू कितना होता है आई आर तो आपने इस V की जगह क्या लिख दिया आई आर ओके मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं ओके तो यहां पर आपने इस V की जगह क्या लिख दिया आई आर तो आई आर मल्टीप्लाई आई टी फिर से सुनिए इस V के प्लेस में आपने लिख दिया आई आर और मल्टीप्लाई में कौन है आई टी तो आई मल्टीप्लाई आई कितना हो जाएगा आई स्क्वायर और ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी कितना आ जाएगा आपके पास आई स्क्वायर आर टी तो ये आ गया आपके पास आई स्क्वायर आर टी दूसरी बात करंट की वैल्यू कितनी होती है वी बाय आर करंट की वैल्यू कितनी होती है आई फिर सुनिए वी इक्वल टू आई आर होता है तो आई इक्वल टू कितना होगा आर अपॉन में आ जाएगा वी अपोन आर होगा तो देखिए आई इक्वल टू वी अपन आर अब आप क्या कीजिए इस आई स्क्वायर की जगह वी अपॉन आर लिख लीजिए अभी तक आपके पास क्या आ गया है अभी तक आपको पता लग चुका होगा कि एच इक्स टू आ गया आपके पास आई जगह वैल्यू पुट कीजिए वी r तो आपने आई की जगह पुट किया वी r स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर पुट कर लिया मल्टीप्लाई में पढ़ाया हमारे पास आर टी अब आप आगे देखिए यहाँ पर स्क्वायर ओपन कीजिए वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास आर मल्टीप्लाई टी तो आर से आर कैंसिल हो गया हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ गया वी स्क्वायर बाय आर टी तो ये देखिए आप एक और एक्सप्रेशन वी स्क्वायर बाय आर टी फिर से देखिए एक हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया था एच इक्वल्स टू वी आई टी क्या आ गया था एच इक्वल्स टू वी आई टी आपने वी की जगह क्या लिखा आई आर तो आई आर मल्टीप्लाई आई टी आपके पास आ गया आई स्क्वायर आर टी या आ गया आपके पास सेकेंड एक्सप्रेशन एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी अब थर्ड एक्सप्रेशन कैसे आएगा आपने i आए की जगह लिख दिया v अपॉन आर तो आई स्क्वायर है तो v अपॉन आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर टी तो यहाँ से एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एक और एक्सप्रेशन आ गया वी स्क्वायर बाय आर टी तो ये एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन और ये तीनों ही एक्सप्रेशन हीट के लिए हैं ये क्लियर हुई आपको बात ओके okay. अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए आपको हीट का ये एक्सप्रेशन लेकर चलना है ये तो एक साइंटिस्ट थे जूल जिन्होंने बताया पहले बताइए आपने हीट का ये एक्सप्रेशन समझा ओके अब आपको इतनी सी बात याद रखनी है ओके आपको हीट का ये एक्सप्रेशन लेकर चलना है ही एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी अब एक साइंटिस्ट से जूल जिन्होंने बहुत इजी बात कही कि जो हीट होती है किसी कंडक्टर में वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है ये फॉर्मूला पता है ना तो सबसे पहले हीट डिपेंड करती है करंट पर ये देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको करंट तो हीट किस पे डिपेंड करेगी ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है इसका मतलब हीट डिपेंड कर रही है करंट पे और करंट का यहाँ पर क्या है स्क्वायर तो आप लिख दीजिए स्क्वायर तो अकॉर्डिंग टू जूल हीट प्रोड्यूस इन एन कंडक्टर यहाँ से देखिए फॉर्मूले से बनाइए और आप मेरी बातों को सुनिए और फॉमले पे ध्यान दीजिए हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू जूल ओके अकॉर्डिंग टू जूल हीट प्रोड्यूज इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आई स्क्वायर के बाद क्या आता है आर आर आ गया तो मैंने बोल दिया हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर के बाद क्या आ गया टी तो आप फिर से लिखेंगे हीट प्रोड्यूज इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन इन फ्लोइंग द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम बोल सकते हैं टाइम तो हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टू विच करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट और इन द कंडक्टर तो ये चीजें आपको क्लियर हुई क्या आपको h इक्वल टू आई याद रखना है सबसे पहले आई स्क्वायर आया इट मीन्स हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर फिर आया आर तो आपको बोलना है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फिर आया आपके पास टी फिर आपको बोलना है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम तो यही आपका जूल्स लॉ है बस यही है जूल लॉ और कुछ नहीं है क्लियर हुआ तो यहाँ पर हम बोलते हैं जूल्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज ये बात हमने सबके लिए कॉमन लिख दी क्योंकि तो सबके इधर कौन सा एच था सबसे पहले एच डायरेक्टली टू क्या था आई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉमुला फिर डायरेक्टली पोर्शन टू क्या था आर और फिर डायरेक्टली पोर्शन टू क्या था टी तो ये एच को क्या बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज आगे क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट तो पहला क्वेश्चन पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको ओके okay. अब सेकंड पॉइंट देखते हैं फिर से आप बोलिए हीट प्रोड्यूज इन ए कंडक्टर सेकेंड लाइन पता है हीट प्रोड्यूज इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ ओके थर्ड पॉइंट क्या होगा हीट प्रोड्यूज इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर ये तीनों चीजें क्लियर हुई ओके okay. अब आपने इन तीनों चीज़ों को फिर से इक्वेशन वन टू थ्री को कंबाइन करके लिख दिया वन में एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर था टू में एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था थ्री में टी था तो आपने फिर से ऐसे लिख दिया और जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो आपके पास कॉन्स्टेंट आता है के क्योंकि आपको पता है आपका हीट का फॉर्मूला आपने डिराइव किया है कितना है वो आई स्क्वायर आर टी तो यहाँ पर कहीं के है क्या नहीं है इसका मतलब के की वैल्यू कितनी है वन है तो आपने कह दिया यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू वन है फिर से बताऊँ क्लियर हुआ आपको ये परपोर्शनल हटा तो कांस्टेंट आया है और कांस्टेंट की वैल्यू वन क्यों ली क्योंकि हमारे पास जो हमने फॉर्मुला डिराइव किया था हीट का उसमें आई स्क्वायर आर टी था के था ही नहीं इसका मतलब के की वैल्यू क्या होगी अगर कोई मल्टीप्लाई में वन है तभी तो इसका मतलब के की वैल्यू वन है अगर आप यहाँ पर के की वैल्यू वन लिखें तो आंसर क्या आएगा आई स्क्र आर टी तो यहां पर आपने कहा कि के की वैल्यू वन है और इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अगर अब आप आपके एग्जाम में पूछते हैं कि एक्सप्लेन जूल्स हीटिंग लॉ या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो आपको कहां से कहां तक करना है आपको यहां से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टार्ट करना है और आपको यहां तक करना है जूल्स लॉ अगर आपके पेपर में पूछे एक्सप्रेशन बता दीजिए जूल का या हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर का आप एक्सप्रेशन बता दीजिए तो आपको फिर एक्सप्रेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस वाला यहां से स्टार्ट करना है और आपको यहां तक करना है एक्सप्रेशन तो ये क्लियर हुआ एक्सप्रेशन यहां तक और हीटिंग लॉ कहां से कहां करना स्टार्ट करना है यहां से स्टार्ट करना है और कहां तक करना है यहां तक करना है यहां तक करना है आपको ओके तो अब हम इस पर तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो चुका है टेंथ क्लास का तो अब आपको कोई डाउट है तो पूछिए अब हम नेक्स्ट क्लास से इसके कुछ असाइनमेंट देखेंगे तो एक दो लेक्चर्स और हम करेंगे असाइनमेंट के जो भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में बोर्ड के अकॉर्डिंग आते हैं वो हम बात करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेंथ क्लास के लिए ठीक है ओके okay, तो यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल के लिए एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 500 हंड्रेड ओम इज कनेक्टेड टू ए मेन सप्लाई फॉर 30 मिनट्स इफ फाइव एम्पेयर करेंट फ्लोज थ्रू द फिलाेंट ऑफ द हीटर कैलकुलेट द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन द हीटर तो एक इलेक्ट्रिक हीटर है क्या कह रहा है एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना होता है अच्छी तरह रीड करने के बाद जो भी क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है उसे हमें लिखना होता है तो हमने रेजिस्टेंस कितना गिवन है 500 ओम उसके बाद हमें क्या कह रहा है थर्टी मिनट्स जो एक हीटर है वो फाइव ओम का रजिस्टेंस है उसको पावर कितनी देर तक हमने दी थर्टी मिनट्स तक दी तो उसमें करंट कितनी देर तक फ्लो होगी थर्टी मिनट्स तक तो हमने टाइम लिख दिया थर्टी मिनट ओके थर्टी मिनट हमारे पास टाइम आ गया और करंट की वैल्यू कितनी हमारे पास फाइव एम्पियर है करंट की वैल्यू कितनी फाइव एम्पियर है और हमें कैलकुलेट करना है हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट करनी तो बहुत इजी है करंट हमें गिवन है फाइव एम्पियर रेजिस्टेंस हमें गिवन है फाइव हंड्रेड तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए फिर से लिख रहा हूँ सबसे पहले रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर लिखिए 500 ओम टाइम कितना है टाइम कितना है 30 मिनट्स तो बताइए 30 मिनट्स में कितने सेकंड होते, है? होते हैं एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 30 मिनट में कितना जाएंगे मल्टीप्लाई 60 सेकेंड क्लियर हुआ आपको क्यों आपको कोई भी मैंने आपको पहले ही बताया था न्यूमेरिकल के लिए आपको टाइम को सेकेंड में लाना होगा रेजिस्टेंस को ओम में ये सब की ऐसा ही यूनिट होती है जैसे आपको लेंथ को मीटर में लेना होगा मास को केजी में लेना होगा टाइम को सेकंड में लेना होगा तो टाइम मिनट में था इसलिए वन मिनट में कितने सेकंड होते हैं सिक्सटी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सिक्सटी सेकंड ओके फिर से बात कर लेते हैं टाइम कितना आ गया आपके पास कितने सेकेंड थे थर्टी मल्टीप्लाई सिक्सटी तो कितना आ गया आपके पास सिक्स थ्री 18 एटीन आ गया आपके पास एटीन हंड्रेड सेकेंड रजिस्टेंस कितना है आपके पास फाइव हंड्रेड ओम और क्वेश्चन में करंट के कितनी गिवन थी तो टाइम याद करना एटीन हंड्रेड रजिस्टेंस आप लिख लो फाइव हंड्रेड और करंट कितनी थी करंट कितनी गिवन थी हमें क्वेश्चन में करंट थी फाइव एम्पियर ओके तो मैं ये तीनों की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करता हूँ करंट की वैल्यू भी लिख लेते हैं फाइव एम्पियर लिख लो अब हीट का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर टी आई स्क्वायर आर टी हीट निकालना है हमें करंट कितना है फाइव एम्पियर तो फाइव का करंट का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए रेजिस्टेंस कितना है 500 और टाइम कितना है वन एटी सेकेंड ओके तो फाइव का स्क्वायर कीजिए ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई वन एटी ठीक है तो अब आप थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको तो यहाँ पर ये आ जाएगा नाइन्टी ट्वेंटी फाइव एटीन इंटू फाइव कितना होता है नाइन्टी तो ये नाइन्टी और ये एक दो तीन जीरो और आ जाएंगे ये देखिए ये क्लियर हुआ आपको फाइव हंड्रेड एटीन इंटू फाइव कीजिए नाइनटी और तीन थ्री जीरोज आपके पास और आ गए तो मैं ऊपर वाला टर्म को हटाता हूं यहां पर सॉल्व करूंगा क्योंकि मैं ओके अब देखिए h इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कीजिए 25 फाइव इंटू कितना होता है ये होता है टू ट्वेंटी फाइव टू टू फाइव होता है टेन करते तो हो जाता है टू फाइव जीरो टू अब कितने जीरोज़ हैं वन टू थ्री फोर तो आप लिख दी जी, लिख दीजिए मल्टीप्लाई टेन रेस टू फोर ऐसे लिख सकते हैं टेन रेस टू फोर ओके एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इस स्टेप को हटाते हैं एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं तो क्या हम टू ट्वेंटी फाइव को ऐसे लिख सकते हैं टू पॉइंट टू फाइव इंटू हंड्रेड थोड़ा मैथमेटिक्स में ध्यान दो बेटा टू ट्वेंटी फाइव को ऐसे लिख सकते हैं टू पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई हंड्रेड ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि तो आप टू पॉइंट टू फाइव इंटू हंड्रेड की अगर करेंगे तो आपके पास ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव आ जाएगा तो मैं टू ट्वेंटी फाइव को क्या लिख सकता हूँ टू पॉइंट टू फाइव इंटू हंड्रेड और मेरे पास टेन एस टू फोर ऑलरेडी पड़ा है तो इसको मैं लिखता हूँ हंड्रेड और इसको मिटाना है ओके okay. तो 2.25 पॉइंट मल्टीप्लाई हंड्रेड आ गया टू 22, ट्वेंटी को लिख सकता हूँ आप 2.25 पॉइंट मल्टीप्लाई हंड्रेड करके देखो आपके पास 225 आ जाएगा तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ और मल्टीप्लाई में कितना आ गया 10 रेस टू 4 आ गया अब 100 का मतलब होता है 10 रेस टू 2 ये आ गया 10 रेस टू 4 तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा टू पॉइंट टू मल्टीप्लाई टेन रेस टू सिक्स और आगे यूनिट लगाना मत मतलब होगी इसकी जूल तो ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर होगा होगा बहुत इजी है हमें बस फॉमूला याद रखना है आई स्क् आर टी आई की वैल्यू हमें गिवन थी फाइव आर हमें गिवन था फाइव हंड्रेड और टाइम हमें थर्टी मिनट गिवन था जिसे हमने वन एट जीरो जीरो सेकेंड में पहले कन्वर्ट किया उसके बाद हमने कन्वर्ट कर दिया इसको तो ये क्लियर होगी आपको बात ओके तो यहाँ पर एक मिनट ये था सही था एटीन इंटू फाइव नाइन्टी था या फाइव हंड्रेड सॉरी एक जीरो और आएगा यहाँ पर क्योंकि टाइम कितना था एटीन हंड्रेड था फाइव मिनट में कितने थर्टी मिनट में कितने सेकंड होते हैं एटीन हंड्रेड था तो आपके एक जीरो और आ जाएगा लास्ट में मतलब यहाँ पे फाइव कर देना आप जीरोस तो लाइट लास्ट में जो आंसर आएगा कितना आएगा टू पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई टेन इज टू सेवन जूलाएगा आपके पास क्लियर होगी इतनी बात ओके okay. तो आज का लेक्चर इतना ही यहीं पर ख़त्म करते हैं बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में